बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गोश्त का मज़ेदार सा यखनी वाला पुलाव। गोश्त का पुलाव बनाने के लिए गोश्त हम लेंगे 1 kg, छोटा एक प्याज लेंगे, 2 करी पत्ते, 1 दालचीनी, छोटा सा पीस अदरक का और 1/2 tablespoon नमक। इन सब को हम यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पुलाव बनाने के लिए एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया, 1 टमाटर और 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप ऑयल यूज करेंगे। गोश्त का पुलाव बनाने के लिए जो स्पाइसेस हम यूज करेंगे, नमक 1/2 tablespoon, रेड चिली 1/2 tablespoon, जीरा 1 tablespoon, इसमें से 1/2 tablespoon जीरा जब मैं प्याज फ्राई करूंगी उस टाइम पे मैं यूज करूंगी, और 1/2 tablespoon का मैं पाउडर बनाऊंगी। जावित्री 1, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1 बादियान का फूल और 4 सब्ज़ इलायची, इन सब का हम पाउडर बना लेंगे। धनिया, सूखा धनिया 1 tablespoon और गरम मसाला 1 tablespoon। इन सभी स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और नमक हम 1/2 tablespoon इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 1/2 tablespoon ऑलरेडी यखनी के अंदर डाला हुआ है। सो अगर नमक कम होगा तो हम ज़्यादा डाल लेंगे, तो इस वजह से मैं 1/2 tablespoon यूज़ कर रही हूँ। और दही हम लेंगे 4 tablespoon। पुलाव बनाने के लिए चावल मैं ले रही हूँ 1 किलो, क्योंकि मैं 1 किलो गोश्त का पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैं 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1/2 किलो गोश्त का पुलाव बनाएंगे तो आप 1/2 किलो चावल यूज़ करेंगे। अब इन चावलों को 1/2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 6 कप पानी डाला है और इसमें गोश्त को मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर सब कुछ, प्याज, अदरक, कड़ी पत्ता, सब कुछ हम अब इसमें शामिल कर देंगे। और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इधर मज़ेदार सी गोश्त की यखनी रेडी हो रही है। जब यखनी रेडी हो जाएगी और गोश्त पक जाएगा तो फिर हम पुलाव बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देचकी में हम प्याज डालेंगे और 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। और अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा शामिल कर देंगे और इनको भी फ्राई करेंगे। अब हम टमाटर और बॉयल गोश्त को शामिल करके अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम दही शामिल करेंगे और सभी स्पाइसेस अब हम इस टाइम पे, अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी को पुलाव में डालने से पहले छान लीजिएगा। यखनी को बॉयल आ गया है और इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं कि नमक कम है या ज़्यादा है। और इस स्टेज पे अगर आपको डालना हो तो आप नमक अंदर डाल सकते हैं। अब हम चावल अंदर शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद हलाएंगे और आप इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रखते हैं। चावल अभी पक रहे हैं। जब पानी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। पानी चावलों का ड्राई हो गया है।
अब हम इसको हल्की सी आंच पर दम के लिए लगा देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। माशाल्लाह से मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार पुलाव रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।